बनीपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 14 जनवरी के दिन निफ्टी ने पिछले 15 वर्षों में कैसा परफॉर्म किया है। निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करती है 14 जनवरी के दिन। पिछले 15 वर्षों में 4 बार बाजार बंद थे क्योंकि शनिवार या रविवार था। बचे हुए 11 ट्रेडिंग सेशन में 5 बार पॉजिटिव क्लोजिंग हुई और 6 बार नेगेटिव क्लोजिंग हुई, तो निफ्टी ज्यादा नेगेटिव रहा पिछले 15 वर्षों में 14 जनवरी के दिन। हाईएस्ट पॉजिटिव मूवमेंट रहा 3.29 का और हाईएस्ट नेगेटिव मूवमेंट रहा -1.69 का। यहाँ एक फर्क है कि पिछली दिनों हमने देखा था कि अगर नेगेटिव क्लोजिंग ज्यादा रहती है तो हाईएस्ट नेगेटिव मूवमेंट हमेशा ज्यादा रहता है हाईएस्ट पॉजिटिव मूवमेंट से, लेकिन ये इस बार ये अलग है। अब परसेंट चेंज हिस्ट्री देखेंगे तो उससे हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी। अगर हम परसेंट चेंज हिस्ट्री देखें तो 2013 के पहले आप देखेंगे बहुत ज्यादा वोलाटाइल रहा है निफ्टी, और उसके बाद से आप देखेंगे फ्लैटिश बिहेवियर निफ्टी का है। 2005-11 में सबसे बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी में आई थी 14 जनवरी के दिन, और 2009 में सबसे बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी की आई है। 2013 में दूसरी सबसे बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। अगर आप ये दो केसों को छोड़ दें तो ज्यादातर निफ्टी नेगेटिव रही है इस दिन। 2005 में नेगेटिव मूवमेंट, 8 में इंडिसीजन था, द पॉजिटिव द नेगेटिव बहुत ज्यादा आप यहाँ पे मूवमेंट नहीं था। 10 में स्लाइड पॉजिटिव था, लेकिन अगर आप 13 तक छोड़ दें, 13 के बाद की सिचुएशन देखें तो 14, 15, 16, 19 ये 4 के 4 साल निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, स्लाइड नेगेटिव टेंडेंसी रही है निफ्टी की। 2020 में पॉजिटिव जरूर बंद हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट वहां भी नहीं था, इंडिसीजन का मूवमेंट था, तो 0.2 के आसपास की पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था। ओवरऑल अगर हम देखें तो नेगेटिव ट्रेंड ही रहता है 14 जनवरी के दिन निफ्टी का, लेकिन 14 के बाद से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, एक तरह से फ्लैटिश बिहेवियर है, स्लाइड नेगेटिव ट्रेंड के साथ निफ्टी ट्रेड करती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली प्राइस प्रेडिक्शन के लिए पिछले 15 वर्षों के आधार पे विजिट करिए मनीपति.com। भविष्य के वीडियो के लिए मनीपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस पर क्लिक करिए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह मेरी खुद की रिसर्च है और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद।